अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफोर्डेबल नेल्स पे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये फ्रेंच नेल्स और ग्लिटर टाइप नेल्स मैंने कहाँ से लिए और कितने के लिए। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को अपना फेसबुक का इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और मैं नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाऊं। तो बहुत बोल लिया, आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है नेल्स पे, अफोर्डेबल नेल्स पे। ये मैंने कहाँ से बाय करे और कितने अफोर्डेबल हैं ये मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्राइजेस सुन लें आप लोग तो हैरान हो जाएंगे। मैंने सिर्फ लिए हैं ये 150 रुपीज़ के, ऑनली ऑन 150 रुपीज़ के। मैंने इससे पहले भी लिए थे 350 रुपीज़ ईच लिए थे कोई नेल पेंट, सॉरी फेक नेल्स, वो उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर चेक कर लिएगा। और अब चलते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये कैसे कैसे मैंने बाय किए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये वाले एक बाय करे हैं, ये देख ले, मैं आप लोगों को उसको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये वाले ओपन कहाँ से होंगे। अच्छा, पैकेजिंग की सबसे पहले बात कर लें तो बहुत ही क्यूट इसकी पैकेजिंग में आई हुई है, और ये देख लें, यहाँ से इसको अप्लाई करने का भी तरीका बताया हुआ है कि अप्लाई नेल्स कैसे करने हैं और रिमूव कैसे करने हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और सब इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, ये आप लोग ज़रूर बैक से पढ़ा करें कि कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वीडियो में अप्लाई करने का भी बताऊंगी कि नेल्स मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, फेक नेल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले क्लीन कर लें अपने नेल्स को, कोई भी नेल पेंट है तो उसको रिमूव कर लें। ठीक है, आगे मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को नेल्स दिखा दूँ कि मैंने कैसे कैसे बाय किए थे। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ये वाले बाय किए थे, ये देखें इनमें कितने ही खूबसूरत स्टोन लगे हुए हैं, ओनली ऑन 150 रुपीज़। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, ये दो मैंने ऑनलाइन बाय किए थे। ठीक है, ये देखें ये कितने ही खूबसूरत और कितने ही हसीन ये नेल्स हैं। ठीक है, ये देखें इतने हसीन नेल्स हैं। मैं इसमें से आप लोगों को ना अप्लाई करके भी ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें, मैं आप लोगों को ओपन करके भी दिखाती हूँ, ये देख लें। ठीक है, एक आप लोगों को इसमें से मैं पहले लगा के दिखाती हूँ कि ये कैसा है, ये ग्लू के साथ अटैच है, तो मैं जो उनसे अप्लाई करूँगी मैं आप लोगों को वही वाले लगा के दिखाऊँगी। ठीक है, ये देखें, एक मैंने ये वाले बाय किए थे, इसमें देख लें थ्री उस पर कितनी अच्छी डिटेलिंग हुई भी है, इसमें थ्री नग लगे हुए हैं, सब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हाथ पे लगने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छा, 150 रुपीज़ में हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि अगर दो हम लोग को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, अगर कोई सा गुम जाता है तो हम लोग उसकी जगह लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक ये वाले बाय करे थे और ओनली ऑन 150 रुपीज़। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने सेकंड बाय किए थे ये वाले। पैकेजिंग की बात कर ले तो मुझे इन दोनों की ये दो की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी। क्योंकि क्यूट मुझे इसलिए लगी थी क्योंकि देखें इसकी पैकेजिंग थोड़ी पिंक, रोज़ पिंक टाइप है। ठीक है, अच्छा जी, इसमें भी इंग्रेडिएंट्स इसके मेंशन हैं और रिमूव करना है। पहले आपको अपने नेल पेंट, आपने जो भी लगाई हुई है उसको रिमूव करना है, फिर सेकंड ये मैं आप लोगों को भी ख़ुद बताऊंगी ये। ठीक है, ये आप लोग जब भी बाय करें पढ़ लिया करें। ठीक है, मेड इन चाइना के हैं ये। ठीक है, कोई भी ब्रांड वगैरह के नहीं है, लोकली हैं, आप लोगों को आराम से किसी भी मार्केट वगैरह से भी मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन मैंने कहाँ से बाय किए थे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा ये नेल्स। ठीक है, अच्छा, सेकेंड मैं आप लोगों को ओपन भी करके दिखाती हूँ कि मैंने सेकंड वाले, ये देखिए सेकंड वाले कुछ ऐसे हैं, थोड़े से मैंने ये फैंसी, ये वाले थोड़े मैंने फैंसी लिए थे, ये वाले मैंने फैंसी नहीं लिए, क्योंकि जो है ना, मतलब अब आप कभी कभार आपका मूड हो रहा है, दोस्तों वगैरह में जा रहे हो आप, कभी कोई पार्टी है, नॉर्मल गेट टुगेदर है, तो आप लोग उसमें बाय कर सकते हो। ये तो जैसे आप शादी वगैरह में जा रहे हो तो इतने हैवी नील्स बाय लगाओ तो ज़्यादा मुझे समझ में आता है। कि देखें, एक मैंने ये वाले बाय किए थे, ये थोड़े से सिंपल हैं, इसमें बस कुछ में डिटेलिंग है और वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल डिसेंट सी है, जिसको इस टाइप के पसंद है वो इस टाइप के ले सकता है। इसके भी प्राइस 150 रुपीज़ हैं, इसके भी प्राइस 150 रुपीज़ हैं। ठीक है, प्राइस मैं अगेन बता दूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि प्राइस क्या है, कहाँ से बाय किए हैं, कहाँ से मैंने जहाँ से भी बाय किए हैं लिंक दे दूँगी। अच्छा, प्लस पॉइंट मुझे इनका क्या लगा,
प्लस पॉइंट इनका ये लगा कि इस नेल्स में ग्लू लगी हुई आई थी, ठीक है, नेल्स में ग्लू लगी हुई आई थी। ग्लू लगाने का झंझट जो होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे पहले मैंने जो नेल्स की वीडियो बनाई थी उन पे ग्लू नहीं लगी हुई थी, उन पे अप्लाई करना था, तो थोड़ा झंझट टाइप लगता था मुझे ना, मतलब सुस्ती आती थी लगाने में। अच्छा जी, ये मैंने दिखा दिए। अब मैं आपको थर्ड वन दिखाऊं। थर्ड वन की पैकेजिंग भी ऐसी है, सेम बिल्कुल बहुत ही अफोर्डेबल फेक नेल्स हैं ये। अच्छा, थर्ड वन भी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे, अच्छा मुझे बताइएगा अभी 1, 2, 3 आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन से वाले पसंद आए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से वाले सबसे ज़्यादा पसंद आए। ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा, ये ले भाई, ये ओपन हो गया। इसका एक नेल कहाँ गया पता नहीं जी, तो इसका एक नेल कहाँ चला गया भाई पता नहीं, इसका एक नेल अभी भूत ले गया। अच्छा जी, ये देखें, ये देख लें, ये दूसरा वाला ऐसा है। ये वाले मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आए थे वो पसंद आए थे येरा इसका नेल, भूत नहीं लिखे गया, येरा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देख लें, ये वाले सबसे ज़्यादा मुझे इसके ये वाले पसंद आए थे, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लगे थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सबके मुकाबले में, मतलब प्यारे हैं सारे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये वाले पसंद आए थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बोल लिया, अब मैं अप्लाई करने का आप लोगों को तरीका बता दूँ कि नेल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। अच्छा, नेल्स को अप्लाई करने के लिए आपने नेल पेंट लगाई हुई है उसको रिमूव कर दें, अपने नेल्स को अच्छे से कट कर लें, मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है, अपने ट्यूज़र वगैरह से इसको अच्छे से जो है ना, ये देखें, ट्यूज़र वगैरह से, एक सेकेंड फोकस हो जा, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है जी, ट्यूज़र से अच्छे से जो आपके ये क्यूटिकल्स वगैरह होंगे इसको आप लोग रिमूव कर दें। ठीक है, और ये फाइलर लें, मेरा फाइलर टूटा हुआ है तो प्लीज़ कोई मुझे बोले ना कि आपका टूटा हुआ फाइलर है। अच्छा, मैं मानती हूँ मेरा टूटा हुआ है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, पहले जो है ना अप्लाई ऐसे करना है कि अब फाइलर से अपने नेल को जो है ना ऐसे रब कर दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना खुदरा खुदरे से आपके नेल्स हो जाएं, बिल्कुल स्मूथ ना रखें, खुदरे खुदरे से रखें, ताकि जो है ना नेल जो है ना लॉन्ग लास्टिंग से अप्लाई रहें, बिल्कुल ही ईजी से। सही है, सब पे पहले मैं ऐसे कर दूँगी, हल्के हल्के से, ज़्यादा मत करें कि अपना जो है ना दर्द होना शुरू हो जाए, बिल्कुल हल्के हल्के से 2-3 मिनट आप लोगों ने ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया। मैं आप लोगों को एक हाथ पे नेल्स अप्लाई करना सिखाऊंगी, फिर आप लोग जब भी अप्लाई करो तो मुझे दिखाना। ठीक है, ये वाले मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये देख लें, अब मैं आप लोगों को ये वाले नेल्स अप्लाई करके दिखाऊंगी। सही है, सबसे पहले एक ये वाला है, ये वाला नेल्स जो है मेरे, ये वाले इसका है, ये देखें, ये देखें, फौरन से बस लगाया, टिक किया, अप्लाई हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग गया, लग गया, ठीक है, सेकंड लिया, ठीक है, इसका ये सेकंड लिया, ठीक है, ये सबसे छोटी वाली फिंगर का है, सेकंड लिया, यूं करके इसको थोड़ा सा ना पुश करके रखा देर तक, ज़रा 5 मिनट ना यूं करके आप अप्लाई करो तो उसको ज़रा सी देर पकड़ लो। ठीक है, ये देखें, अप्लाई हो गए, बहुत इजी है यार ये वाले नेल्स लगाना, बहुत ज़्यादा ईजी है, कोई इसमें साइंस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। हाँ, वो स्टिकर वाले होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल करते हैं, वो थोड़े से होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये अप्लाई हो गए, अब मुझे जैसे रखने हैं, मैं जैसे लगाना चाहती हूँ, अपने नेल्स के हिसाब से आप लोग लगा लें, सेट कर लें। ठीक है, ये देखें, हल्का सा इसको मैंने पुश करके रखा, लग गए, और अब मैं एक ले लूँगी ये वाला, नहीं नहीं ये वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये वाला लूँगी। ठीक है, ये लिया, इसको यहाँ पर लगाया, अप्लाई हो गए, ये देखें, अप्लाई हो गए, ये देखें, कितने ही हसीन खूबसूरत, ये देखें, ये मैंने पकड़ के नहीं रखा ना, ये देखें, ये निकलता रहेगा। आप इसको 5 मिनट तक पुश करना है कि यहाँ पर जो ना आपके रेड हो जाए बिल्कुल, और नीचे वाली साइड ना बिल्कुल वाइट हो जाए, फिर जो ना ये थोड़ा सा बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये नेल्स। ठीक है,
ये देखें, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अब बाकी के नेल्स, बाकी के जो नेल्स बचे वो आप लोग बाकी के हाथ पर ट्राई कर लें। ये मैंने सारे जो है ना फैंसी वाले लगा लिए हैं जल्दी जल्दी में, वैसे मैंने एक से दो, आप अपने लिहाज से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई भाई आज की वीडियो, मानती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर पूरी देखना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी ये नेल सप्लाई करने वाली वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों की दूसरी रिक्वेस्ट क्या है, मैं कौन सी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। अभी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई कि आप लोग कौन सी रिक्वेस्ट आई हुई थी मेरे पास कि आइकॉनिक के ब्रश सेट पे करें, तो मैं ज़रूर आइकॉनिक के ब्रश सेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। मैंने ऑर्डर करे हुए हैं, जैसे ही ऑर्डर आ जाता है मैं वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।